हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, हमारे इस 100 क्रॉस बजीज का अभी सेकंड क्लच ये चालू है और सेकंड क्लच में इसने निकाल दिए हैं 5 बच्चे। 5 अंडे दिए और 5 अंडे फर्टाइल हुए, 5 में से बच्चे भी इसने निकाल दिए हैं और अभी मैं आपको बच्चे भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों, इस जोड़े ने पिछली सीज़न में हमारे पास 2 क्लच इसने दिए थे और 4-4 बच्चे दोनों ही क्लच में पाले थे। इस बारी इस जोड़े ने जो है इसका ये फर्स्ट क्लच में इसने 3 बच्चे पाले और अभी इसका सेकंड क्लच है। सेकंड क्लच में इस जोड़े ने 5 अंडे दिए और 5 बच्चों को ये पाल भी रहा है। 5 बच्चे निकल चुके हैं मटकी के अंदर। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस जोड़े के 2 बच्चों को यहाँ से निकाल लिया जाए और नॉर्मल बजरी के नीचे शिफ्ट कर दिया जाए कॉलोनी में। ये हमारी बजीज की कॉलोनी है, तो इसमें देखेंगे जो जोड़ा अच्छे से बच्चों को पालता है। काफ़ी जोड़े मेरी नज़र में हैं, तो उनकी मटकी को देखेंगे। जहाँ इस साइज़ के बच्चे होंगे वहाँ इस 100 क्रॉस बजीज के बच्चे को शिफ्ट कर देंगे। तो ये जोड़ा अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मटकी के अंदर। तो देखिए आप, वो फीमेल जो है कैसे अपने बच्चों को अपने फेदर के नीचे लेकर बैठी है, गरमाइश जो है वो दे रही है। ये है मदर लव, तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से 2 बच्चों को निकाल लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 बच्चों को हो सकता है कि ये पाल ना पाए और दोस्तों हो सकता है कि हमारे साथ उल्टा भी हो जाए। तो दोस्तों, रिस्क तो लेना पड़ता ही है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ बच्चों को हुआ तो कहीं ना कहीं फिर हमारा फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि लगेगा कि यार बाद में के शिफ्ट कर देते तो अच्छा था। क्योंकि इस जोड़े ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चों को ही पाला है और 5 बच्चों को पालना काफ़ी मेहनत हो जाएगी इस जोड़े की, तो शिफ्ट कर देना ही मुझे लग रहा है ठीक होगा। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी होगा देखा जाएगा। हालांकि मैं इस जोड़े को डिस्टर्ब में नहीं करता हूँ ज़्यादा, इसकी मटकी में मैं हाथ वगैरह नहीं डालता हूँ जब बच्चे निकल आते हैं। देखता मैं डेली हूँ, कैमरा अंदर ले जाता हूँ और देखता मैं मटकी को डेली हूँ, चेक करता हूँ, उससे ये डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन मटकी में मैं हाथ नहीं डालता हूँ, जब ज़रूरत होती है तभी ऐसा करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल इस जोड़े की मटकी में मैंने कभी ज़्यादा छेड़खानी नहीं की है, 1-2 बार ही ऐसा किया है। लेकिन अभी बच्चों को निकालना, तो हो सकता है कि ये जोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमारे साथ तो ऐसा ना हो, यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि सब कुछ सही हो जाए, सही तरीके से हम यहाँ से बच्चे उठा लें और इन बच्चों को जो है वो नॉर्मल बजरी के नीचे अच्छे से शिफ्ट भी कर दें और हम कामयाब भी हो जाएं। बाकी जो भी है ऊपर वाले के हाथ में। तो दोस्तों, अब इस जोड़े को बाहर निकालते हैं और फिर मैं बच्चों को भी निकालता हूं, क्योंकि फीमेल बाहर नहीं आती है। जब भी मैं गेट खोलता हूं तुरंत ही मटकी में जाकर ये चिपक जाती है। तो अभी इसको थोड़ा मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, ये फीड भी करवा रही है। तो अभी मैं और छोटे वाले बच्चों को आप देखिए, अंतर देख सकते हैं आप। बड़ा वाला बच्चा काफ़ी बड़ा है और छोटा वाला काफ़ी छोटा है, तो यहाँ से निकालना ही सही रहेगा। तो पहले इस जोड़े को मटकी से बाहर निकालते हैं। जोड़ा बाहर आ गया है और देख सकते हैं 5 बच्चे। अभी इन बच्चों को भी बाहर निकालता हूँ। दोस्तों, दोनों बच्चों को मैंने बाहर निकाल लिया है, छोटे वाले बच्चे और मटकी में बड़े वाले बच्चे हैं। ये देख सकते हैं आप, दोनों ही छोटे बच्चों को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इन बच्चों को शिफ्ट करेंगे कॉलोनी के अंदर। तो चलते हैं कॉलोनी के अंदर। तो ये हमारी कॉलोनी है और ये आप मटकी देख सकते हैं, 23 नंबर मटकी है और यहाँ पे फीमेल अपने बच्चों को लेकर बैठी है। इस फीमेल के नीचे अभी 3 बच्चे हैं और इसका ये सेकंड क्लच है। फर्स्ट क्लच में भी इसने 3 बच्चों को पाल के बड़ा किया था और मेल फीमेल दोनों ही अच्छे से फीड करवाते हैं, मेल काफ़ी अच्छा है। तो ये मटकी हमारे लिए बेस्ट रहेगी,
क्योंकि इस मटकी में जो बच्चे हैं उसका भी साइज़ बिल्कुल 100 क्रॉस के बजरी जितना ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फीमेल अच्छे से पाल लेगी। दोस्तों छोटे बच्चों को शिफ्ट करना आसान होता है, लेकिन बड़े बच्चे शिफ्ट ना करें। ऐसा ना हो कि छोटे बच्चे उठाकर आप किसी मटकी में बड़े बच्चे को रख दें जिसके फेदर निकले हुए हैं, तो ऐसे में फीमेल मारना स्टार्ट कर देगी। और शिफ्ट जब भी करें आप फीमेल को बाहर निकाल कर ही करें। दोस्तों मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो हैं वो रेगुलर करते रहते हैं, तो बर्ड्स इतना डिस्टर्ब नहीं होते, उन्हें पता होता है कि ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो आपको जब भी शिफ्ट करना हो, आपका पहला एक्सपीरियंस हो, तो फीमेल को मटकी से बाहर निकालने के बाद ही आप बच्चों को शिफ्ट करें। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों बच्चों का आप साइज़ देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट साइज़ है और ये मटकी हमारे लिए परफेक्ट रहेगी। तो दोनों का साइज़ आप देख सकते हैं, ये 100 क्रॉस के बजीज हैं। तो इनको हम रखते हैं 23 नंबर मटकी। इस मटकी को भी आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी अपडेट अब आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी कि कैसे ये जोड़ा इन बच्चों को पालता है। बाकी इसके नीचे अभी 2 अंडे और बाकी है, तो अगर उनमें से बच्चे निकलेंगे तो उनको फिर दूसरी मटकी में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं ताकि अच्छे से 100 क्रॉस के बच्चों को पाल पाए। तो अभी इन बच्चों को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी मटकी में। तो ये एक मटकी है, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, 30 नंबर मटकी है, तो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। 3 बच्चे अभी इस मटकी में हैं, देख लेते हैं एक बारी, 3 बच्चे ही हैं, तो यहाँ पर उन बच्चों को शिफ्ट करेंगे। हालांकि एक बच्चा जो है काफ़ी छोटा है, तो उसको इस मटकी में नहीं रखेंगे, फ़िलहाल मैं यहीं रखता हूँ और चेक करता हूँ कॉलोनी में कहीं ऐसी मटकी हमें मिल जाए जहाँ पे छोटे बच्चे हों, तो वहाँ इस बच्चे को शिफ्ट कर देंगे। तो अभी कॉलोनी को मैं चेक करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट वो मटकी। तो ये 17 नंबर मटकी हमें मिल गई है और इस मटकी में अभी 2 बच्चे हैं। और दोस्तों इस मटकी से निकला था रेमबो बजरी, जो कि मैंने आपको बताया भी था, वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर किया था, वो इसी मटकी से निकला था। तो अभी इस फीमेल ने 2 बच्चे निकाले हैं और लगभग 4 अंडे अभी इस मटकी में और बाकी हैं। तो इस छोटे वाले बच्चे को यहाँ से निकालते हैं और इस मटकी में शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, शिफ्ट जब भी करें फीमेल से थोड़ा सा छुपा कर करें, फीमेल को बाहर ज़रूर निकाल लें अगर आपका पहला एक्सपीरियंस है तो। हम लोग ऐसा करते रहते हैं तो बर्ड्स आदि हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इस मटकी में अभी रखते हैं इस बच्चे को। तो अभी इसको थोड़ा सा हटा कर मैं इससे थोड़ा सा छुपा कर, देखिए इस साइड में मैंने रखा है बच्चे को, तो ये मैंने बच्चा रख दिया है। मटकी की हाइट थोड़ी ऊपर है तो दिक्कत होती है। तो ये 17 नंबर मटकी में इस बच्चे को शिफ्ट कर दिया है और ये हमारी 23 नंबर मटकी। और आप देख सकते हैं कि फीमेल ने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया है, बच्चों के ऊपर बैठ गई है, उन्हें गरमाइश दे रही है। अभी 2 अंडे यहाँ भी बाकी हैं, तो इन अंडों में से अगर बच्चे निकलेंगे तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं रखने हैं, कम बच्चे रहेंगे, 3 ही रहेंगे, तो अच्छे से 100 क्रॉस के बच्चों को ये पाल के बड़ा भी कर देगी। तो दोस्तों बच्चों को शिफ्ट कर दिया है, अब देखते हैं कि क्या होता है, वो 100 क्रॉस का जोड़ा कहीं डिस्टर्ब तो नहीं होता है, या ये बच्चों को अच्छे से पालेगी या नहीं पालेगी। जो भी है वो अपडेट कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि शिफ्ट करना भी आपको आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।